हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और देखिए, अब हमने जो एमसीक्यू सीरीज़ में है उसमें ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस लेने स्टार्ट कर दिए हैं। तो पिछले वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस ले लिए थे, अब आगे के हम करीब 33 क्वेश्चंस और लेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज़ फॉर्म्ड व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम्स, यानी कि विनाशी व्यतिकरण होता है जब प्रकाश की तीव्रता हो जाती है। मैक्सिमम यानी कि अधिकतम, मिनिमम यानी कि न्यूनतम, बोथ ऑफ एवब, नन ऑफ द एवब। तो देखिए, विनाशी व्यतिकरण नाम से ही पता लग रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब दो सोर्सेज की लाइट मिलेगी, आपस में इंटरफेयर करेगी और इस तरह करेगी कि इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाए, बल्कि बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए। तो इस घटना को ही विनाशी व्यतिकरण बोला जाएगा, एक दूसरे का विनाश कर दे, मतलब इंटेंसिटी इसीलिए डाउन हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर 31 में देखिए न्यूनतम यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका सही माना जाएगा। देखिए 32 क्वेश्चन है, इन इंटरफ्रेंस विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस आर, व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई होती है। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन टू कंस्ट्रक्टिव डार्क फ्रिंजेस, दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी। ऐसे ही दो क्रमागत आपकी जो है वो दीप्त फ्रिंजों की दूरी, मतलब ब्राइट फ्रिंजेस की डिस्टेंस, बोथ ऑफ द एवब, नन ऑफ द एवब। तो देखिए, ये आपका दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई का डेफिनेशन पूछ दी गई है। आप अगर थ्योरी में ध्यान हो, आपको मैंने पढ़ाया है आपको अच्छी तरीके से कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, अगर आपको ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अगल बगल वाली डार्क फ्रिंजेस जो हैं उनको लेना पड़ेगा। तो दो क्रमागत डार्क फ्रिंजों के बीच की डिस्टेंस, तब आपकी जो है वो ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई बोली जाती है। अब देखिए, इसमें देखने में ऐसा लगता है कि ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई केवल इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन डेफिनेशन ऐसा नहीं है। डेफिनेशन के हिसाब से एक इस डार्क से इस डार्क तक के सेंटर की डिस्टेंस, ये आपके ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई कहलाएगी। ऐसा लगता है आपको देखने में कि ब्राइट के साथ आधा ये डार्क और आधा ये डार्क भी इंक्लूडेड है, लेकिन वो डेफिनेशन इसी तरह से बनाई गई है। तो यहाँ पर हमारा देखिए फर्स्ट पार्ट में डार्क फ्रिंजेस के बीच की, कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस यानी कि क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में जैसे था कि दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के बारे में, यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई क्या हो जाएगी। तो अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई में दो ऑप्शन तो दे दिए डेफिनेशन उल्टा सुलटा, और बाकी दो ऑप्शंस आपको नन ऑफ दीज और बोथ ऑफ द एबव इस तरह से मिल जाएंगे। तो देखिए, फिर से वही डेफिनेशन है, अगर आपको डार्क फ्रिंज की चौड़ाई चाहिए तो इसके आगे पीछे की जो ब्राइट फ्रिंज होती है उनके बीच की डिस्टेंस देखी जाती है। तो डार्क फ्रिंज तो पूरी पूरी आ ही जाती है, आधी ये ब्राइट और आधी ये ब्राइट भी आ जाती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो दो क्रमागत अदीप्त ये नहीं सही होगा, दो क्रमागत दीप्त यानी कि दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस यानी कि 33 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन इंटरफेरेंस एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस इज, व्यतिकरण में फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई होती है। थीटा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, थीटा इज इक्वल टू डी डी बाई लैम्डा एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए, किसी भी लीनियर विड्थ को अगर आपको उसको एंगल में कन्वर्ट करना है तो सीधे आप ये सिंपल सा ट्रिक लगाया करिए कि ये उसका रेखीय चौड़ाई हो गई, ये स्क्रीन की डिस्टेंस कैपिटल डी हो गई, और कितने एंगल पे है, चाहे आपको ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालनी हो, चाहे आपको डार्क फ्रिंज अदीप्त फ्रिंज कितनी दूरी पे है उसकी एंगुलर डिस्टेंस चाहिए, या फिर फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो ये अगर डी लैम्डा बाई स्मॉल डी है, इसकी कोणीय चौड़ाई यानी कि थीटा इसके एक हिसाब से कितना बनेगा, तो देखिए एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, सिंपल सा कंसेप्ट लगा दीजिए, या टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऐसे भी लगा सकते हैं, और थीटा स्मॉल है ठीक है। तो उस केस में जो है वो आप ये यहाँ पर देखिए डी लैम्डा बाई स्मॉल डी एंड डिवाइडेड बाई ये बेस यानी कि कैपिटल डी से डिवाइड हो जाएगा, इस केस में डी डी कट जाएगा और देखिए लैम्डा बाई डी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, थीटा इज इक्वल टू जो है वो लैम्डा बाई डी, यानी कि 34 का हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो देखिए, अगर आपने रटा होता ये एमसीक्यू तो फिर आप थीटा इज इक्वल टू डी बाई लैम्डा और थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी में कन्फ्यूज़ करते, लेकिन चूंकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपने उसको थोड़े सा कैलकुलेट करके निकाल लिया, क्योंकि ये ऐसा फॉर्मूला है जो हर कोई याद करता है, ये ऐसा फॉर्मूला है जो याद नहीं किया जाता, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो इसी के सहारे निकाल लिया जाता है। तो देखिए, फिर से वही बात आ जाती है कि अगर आप 100 एमसीक्यू पढ़ के जाएंगे
तो आप 100 उन्हीं में से 100 में से आया तब भी आप उसको कंफ्यूज करेंगे। लेकिन अगर आप कंसेप्ट्स तैयार करके जाएंगे तो आप वो 100 एमसीक्यू का, बल्कि 1000 एमसीक्यू में से भी कुछ भी दे दे या 10,000 एमसीक्यू में से भी कुछ भी दे दे, तब भी आप वो करने की स्थिति में रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, रेफ्रेक्टिंग एंगल ऑफ फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म इज कैप्ट, फ्रेस्नेल द्वि प्रिज्म का अपवर्तन कोण रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन मैंने थ्योरी क्लासेस में बताया है आपको कि फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म में इतना पतला प्रिज्म होता है कि ये एंगल दोनों जो हैं इधर के हाफ हाफ डिग्री होते हैं, तब जाकर के टोटल 1 बनता है और ये आपका 179 डिग्री बनता है। तो और ये दो प्रिज्म होते हैं, तो देखिए इस प्रिज्म का ये वाला एंगल और इस प्रिज्म का ये वाला एंगल लगभग हाफ डिग्री होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शंस कितने हैं आपके पास, लेस देन 1 डिग्री, 90 डिग्री, 45, 30। तो अगर आपको ये नई चीज़ पता है तो फिर आप सोचोगे कि कुछ ना कुछ इन्हीं में से होगा, 30, 90, 50, एक डिग्री से कम एंगल कहाँ होता है। लेकिन अगर आपने फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म के बारे में जानते हैं तो इसका मतलब आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक करेंगे, लेस देन 1 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट फेनोमेनन इज ऑब्जर्व्ड यूजिंग फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म, फ्रेस्नेल के द्वि प्रिज्म का उपयोग करके कौन सी घटना को देखते हैं। ए पार्ट इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण, बी पार्ट डिफ्रेक्शन यानी कि विवर्तन, सी पार्ट पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण, डी पार्ट ऑल ऑफ द एबव। तो आप देखिए फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म के बारे में अगर पता हो तो सबसे पहली बात ये इंटरफेरेंस के चैप्टर में, तो उसी से आपको पता लग जाएगा कि व्यतिकरण के घटना को देखते हैं। साथ ही साथ अगर थोड़ी सी फंक्शनिंग पता हो इसकी, तो एस मान लिया सोर्स है तो यहाँ से रेज वगैरह निकाल के और फिर यहाँ पे S1 S2, ये दो सोर्स बन जाते हैं, इसी लेवल पे दो सोर्स S1 S2 बन जाते हैं और इनका इंटरफेरेंस स्क्रीन पे देख लिया जाता है। तो इस हिसाब से भी आप ध्यान रखिएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका ए पार्ट इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, इन इंटरफेरेंस ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स फ्रिंज विड्थ विल, यानी कि व्यतिकरण में दो स्लिटों के मध्य दूरी बढ़ाने पर फ्रिंज चौड़ाई होगी, इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी मतलब डिक्रीज कर जाएगी नहीं घट जाएगी, अनचेंज्ड यानी कि परिवर्तित नहीं होगी या नन ऑफ द अबव। तो देखिए दो फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला डी लैम्डा बाई स्मॉल डी होता है। और देखिए आपका डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, यहाँ तो स्मॉल डी दे दिया है इंग्लिश वर्जन में, लेकिन हिंदी वर्जन में उसको नहीं दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए था कि दो स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी होती है। अब आप देखिए ये व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इसको अगर बढ़ाओगे आप तो डब्ल्यू आपका कम होगा, यानी कि 37 का जो बी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन इंटरफेरेंस ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन कैपिटल डी फ्रिंज विड्थ विल, व्यतिकरण में स्लिट तथा स्क्रीन के मध्य दूरी कैपिटल डी बढ़ाने पर फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी। तो देखिए पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, डब्ल्यू इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी फॉर्मूला होता है और स्क्रीन की स्लिट से डिस्टेंस यानी कि कैपिटल डी आपने बढ़ा दिया तो डब्ल्यू कैपिटल डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डी बढ़ाएंगे तो डब्ल्यू भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि 38 का हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन इंटरफेरेंस ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ कोहरेंट लाइट यूज्ड फ्रिंज विड्थ विल, यानी कि व्यतिकरण में प्रयुक्त कला संबद्ध प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्डा बढ़ाने पर फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, अनचेंज रहेगी या नन ऑफ दीज। तो देखिए एक ही फॉर्मूले पर तीसरा क्वेश्चन है ये आपका, अब आपके पास लैम्डा के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है तो लैम्डा के भी देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब लैम्डा बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, इसका मतलब इसका ऑप्शन 39 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए एक ही चीज़ पर कितने टाइप के क्वेश्चन बने हैं, आपने एक क्वेश्चन पढ़ के गए और मान लिया दूसरा नहीं पढ़ के गए हैं, तो अगर एमसीक्यू केवल जानते हैं आप तो एक ही क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे, बाकी दो नहीं कर पाएंगे आप आंसर। तो इसलिए आपको इसलिए थ्योरी के कंसेप्ट जो हैं चाहिए और क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पे थोड़ा सा आसान है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाए इनका पेपर में, तो इसलिए आपको ऐसे भी क्वेश्चन तैयार रहने चाहिए, वैसे भी क्वेश्चंस तैयार रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, देखिए इन इंटरफेरेंस इफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि व्यतिकरण में दो व्यतिकारी तरंगों के आयाम 3 और 4 सेंटीमीटर हैं तो संपोषी व्यतिकरण में परायामी तरंग की तीव्रता क्या होगी, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो देखिए संपोषी व्यतिकरण यानी कि इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी एक तो मैक्सिमम होती है और उसका फॉर्मूला होता है KA1+A2 का होल स्क्वायर, कभी कभी K नहीं भी लगाते हैं तो इसलिए यहाँ पे K नहीं यूज़ किया है तो आप K हटा सकते हैं, वैसे K लगाया जाना चाहिए फॉर्मूले में होता है। अब यहाँ पर आप देखिए के और ए वन ए टू कितना दिया है, 3 और 4, तो 3+4 का स्क्वायर और इस हिसाब से ये आपका के इंटू
तीन और चार सात का स्क्वायर, यानी कि ये 49K बनता है। तो इसका मतलब देखिए, इंटेंसिटी वाइज अगर पूछा जाए तो 49 ऑप्शन दिख नहीं रहे, लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए, अब हिंदी में तो परिणामी तरंग की तीव्रता लिखा है, लेकिन इंग्लिश में देखिए आप एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव लिखा है। समझ रहे हैं आप बात को? ये भी आपको एक सीख मिल गई यहाँ पर इस क्वेश्चन से कि अगर हिंदी में कभी कुछ ऑप्शन मतलब क्वेश्चन गड़बड़ हो तो हमेशा इंग्लिश वर्जन उसका माना जाता है। तो व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, हमसे एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का पूछा है। देखिए एम्पलीट्यूड तो केवल A1+A2 होगा, इंटेंसिटी करेंगे तो स्क्वायर हो जाता है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के नाम पे देखिए यहाँ पे A1+A2 ये जुड़ जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला निकलता है ना, A=, √A1+A1² + A2² + 2A1A2 cos θ, ये cos ऑफ ये फॉर्मूला निकलता है वैसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। और इसमें देखिए समपोषी व्यतिकरण है, तो इसका मतलब फाई की वैल्यू जो है वो आपकी ज़ीरो हो जाएगी, फाई की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो cos ज़ीरो वन हो जाएगा। तो ये देखिए √A1² + A2² + 2A1A2 और cos फाई वन हो गया, यानी कि A1+A2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि केवल A1+A2 बचता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली A1+A2 यानी कि 3+4=7 सेंटीमीटर, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसलिए तीव्रता नहीं है इस क्वेश्चन में, जो है तीव्रता की बजाय यहाँ पे हिंदी में आपके पास परिणामी तरंग का आयाम ये पूछा जाना चाहिए था। तो ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन आपको एक एग्जांपल भी मिल गया कि अगर इंग्लिश और हिंदी वर्जन में डिफरेंस है, आपको हिंदी वर्जन से आंसर नहीं आ रहा है, तो तुरंत इंग्लिश वर्जन उसका देखना चाहिए। इसीलिए पेपर जब भी आता है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आता है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में कर सकते हैं। और पेपर में साफ साफ लिखा रहता है ज़्यादातर कि अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी है, कुछ फ़र्क है हिंदी और इंग्लिश में, तो हिंदी वर्जन के बजाय इंग्लिश वर्जन उसका मान्य होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन इंटरफेरेंस इफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव्स आर 3 और 4 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट वेव ऑफ इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्यतिकरण में दो व्यतिकारी तरंगों के आयाम 3 और 4 सेंटीमीटर है, तो विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी। फिर से देखिए पिछले जैसा क्वेश्चन है, लेकिन तीव्रता की जगह पे यहाँ पे आयाम होना चाहिए। अब आप देखिए 3 और 4 सेंटीमीटर है और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कह रहा है, तो A=रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1-A2, यानी कि बल्कि डिफरेंस A2 आप कह सकते हैं ये होता है, क्योंकि जब हम इसके लिए सॉल्व करते हैं तो A√A1² + A2² + 2A1A2 cos φ में हम cos φ 180 डिग्री रखते हैं, और उस केस में यहाँ पे √A1² + A2² - 2A1A2 आता है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो दो ऑप्शन आ सकते हैं, आप A1-A2 का होल स्क्वायर करें तब भी यही आएगा, या आप √A2-A1 करें स्क्वायर तब भी यही आएगा। तो इसलिए A1 माइनस A2 या A2-A1 कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए A1 डिफरेंस A2 लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3 डिफरेंस 4 यानी कि 1 आ जाएगा। डिफरेंस का मतलब होता है जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दो, आंसर आपका पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपका 1 यहाँ पे D में मिल रहा है, तो इसलिए 41 का D ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है, देखिए इन इंटरफेरेंस इफ इंटेंसिटीज ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव्स आर 3i और 2i, देन व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्यतिकरण में दो व्यतिकारी तरंगों की तीव्रताएं 3i तथा 4i हैं, तो संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी। 3i 4i 5+2√6i 5-2√6i। अगर आपको ध्यान हो तो इंटेंसिटी का डायरेक्ट इंटेंसिटी वाइज फॉर्मूला I=I1+I2+2√I1I2 cos φ ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें देखिए संपोषी यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करी जा रही, तो φ = 0 डाल दीजिए, तो I=I1+I2+2√I1I2, या इसे ऐसे भी कहा जा सकता है √I1+√I2² जैसे आप ये भी जानते होंगे ये आई मैक्स हो जाएगा। अब I== फॉर्मूला K A1+A2² तो A1 को आप √I1 और K2 को √I2 इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये इससे भी डायरेक्ट निकाला जा सकता है। तो इससे इंटेंसिटी अगर दी है तो डायरेक्ट इंटेंसिटी निकाला जाता है, या फिर एक और तरीका है कि आप इंटेंसिटीज़ को जो है वो एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब तीव्रताओं को आयाम में बदल लीजिए। 3i है तो इसका मतलब ये आयाम इसका √3i हो जाएगा, इसका आयाम √2i हो जाएगा, और फिर आप इस फॉर्मूले में आयामों को पुट कर दीजिए। कैसे भी आप कर सकते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए बहरहाल इसमें कितना हो जाएगा, तो देखिए इसमें वैल्यूज़ रख देते हैं, ये आपका अंडर रूट के अंदर 3i प्लस अंडर रूट के अंदर 2i का होल स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 3i प्लस 2i
प्लस टू अंडर रूट थ्री आई इंटू टू आई अंडर रूट का, इस तरह से सॉल्व हो के आएगा। यहाँ से देखिए कैलकुलेशन आप करेंगे, थ्री और टू फाइव आई हो जाएगा, प्लस इधर टू और अंडर रूट के अंदर सिक्स आई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि फाइव प्लस टू रूट सिक्स आई, आई आई जो है वो कॉमन हो जाएंगे, तो फाइव प्लस टू रूट सिक्स आई ये बचेगा आपके पास, तो ये आई मैक्सिमम इतना होगा। देखिए आप यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 42 का सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। देखिए सॉल्यूशन देखने में तो बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन मैंने आपको दो तीन रास्ते बता दिए हैं, इसलिए वो टोटल मिला के देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अदरवाइज़ आप एक कोई रास्ता पकड़ लें तो क्वेश्चन छोटा ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, इन इंटरफ्रेंस इफ इंटेंसिटीज ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव्स आर 3i एंड 2i, देन व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इन डिस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस। व्यतिकरण में दो व्यतिकारी तरंगों की तीव्रताएं 3i तथा 2i हैं, तो विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता होगी 3i, 4i, 5 प्लस टू रूट 6i, 5 माइनस टू रूट 6i। तो देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन जो किया है हमने बिल्कुल उसी तरह से है, फॉर्मूला लगा दीजिए आप, i मिनिमम का फॉर्मूला जो होगा वो अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर ये बनेगा। तो अब आप इसमें देखिए इसकी वैल्यूज रख दीजिए, अंडर रूट 3i माइनस अंडर रूट 2i का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3i प्लस 2i माइनस 2ab, यानी कि अंडर रूट 3i एंड अंडर रूट 2i। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5i माइनस 2 और अंडर रूट के अंदर 6i स्क्वायर, तो ये 5i माइनस 2 रूट 6i इज इक्वल टू i कॉमन, तो 5 माइनस 2 रूट 6। तो देखिए यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आपका डी मिल रहा है, इसलिए 43 का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, देखिए इन यंग्स एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज 1 मिलीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ स्लिट्स फ्रॉम स्क्रीन इज 1 मीटर, देन कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ W। यंग के प्रयोग में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का प्रयोग किया गया, यदि दो स्लिटों के मध्य दूरी 1 मिलीमीटर है तथा स्लिटों की स्क्रीन से दूरी 1 मीटर है तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी। तो देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, MCQ लाइक है, और देखिए यहाँ पे पहली बात तो लैम्डा दिया है, तो लैम्डा को थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिए, 5000 एंगस्ट्रॉम है तो इसे 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ उन्होंने दी है कि स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस, यानी कि स्मॉल डी 1 mm दिया है, इसको भी आप 1 × 10⁻³ कर लीजिए। ये वैल्यूज़ इसीलिए लिखी जाती है ताकि हमें पता लग जाए क्या क्या दिया है, और जो दिया है उसे अगर गड़बड़ है तो वो ठीक कर लिया जाए। इसके बाद तो स्लिट से स्क्रीन की दूरी कैपिटल डी जो है 1 मीटर दिया है, ये बिल्कुल ठीक है, और हमसे फ्रिंज विड्थ W क्वेश्चन मार्क कह रहा है। अब सोचिए W का फॉर्मूला क्या होता है, तो W का फॉर्मूला हमारे पास डी लैम्डा बाई स्मॉल डी होता है। देखिए क्या तीनों चीज़ें पता हैं, बिल्कुल पता है, तो ये सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं दी होती उसके लिए कुछ और दे देते हैं यहाँ पे, तो फिर वो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बनता जाके। तो अब बस इसमें हम 1 × और लैम्डा की वैल्यू देखिए 5000 इंटू 10⁻¹० डाल देंगे, डिवाइड बाई स्मॉल डी यानी कि 1 × 10⁻³ डाल देंगे, तो यहाँ से देखिए 5000 इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा, और इसमें भी अगर आप सॉल्व करें से 3 0 इसमें हटा लें तो 5 × 10⁻⁴ बन जाएगा इतने मीटर। अब मीटर को अगर आप मिलीमीटर में देखिए ऑप्शंस दिए हैं, तो 5 × 10⁻⁴ × 10⁻³ कर दीजिए, 1 मीटर में 10⁻³ होते हैं, तो देखिए सॉल्व होके कितना आ जाएगा 5 × 10⁻⁰ 1 mm, 5 × 10⁻⁰ का मतलब 0.5 mm। अब देख लीजिए आपके पास ऑप्शन है कहीं पे, तो ये 0.5 mm, ये सी ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब 44 का जो है सी पार्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, देखिए इन यंग्स एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज 1 mm एंड डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन इज 1 मीटर, देन कैलकुलेट द एंगुलर विड्थ थीटा ऑफ द फ्रिंज। यंग के प्रयोग में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग किया गया, यदि दो स्लिटों के मध्य दूरी 1 mm है तथा स्लिटों की स्क्रीन से दूरी 1 mm है तो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई क्या होगी। फर्स्ट पार्ट है 5 × 10⁻⁴ रेडियन, 50 रेडियन, 0.5 रेडियन या 0.05 रेडियन। देखिए इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन है, बस वहाँ पे आपसे फ्रिंज विड्थ पूछती थी W इज़ इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, लेकिन यहाँ पे आपसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछी है, आपको पता होना चाहिए इसमें D जो है डिवाइड में कट जाता है और थीटा इज़ इक्वल टू लैम्डा बाई डी बचता है। अब आप ये देखिए कि W इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी और थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी में फ़र्क किस चीज़ का है, फ़र्क केवल D का है, और D कितना दिया है, तो देखिए आपका स्लिटों की स्क्रीन से दूरी 1 मीटर दी हुई है,
तो यानी कि डी इज इक्वल टू 1 मीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि आप डी लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को जो आंसर था, अगर मैं पीछे क्वेश्चन उठा के देखूं तो इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे सॉल्व होके फॉर्मूला लगा के आया था, इसमें ये डी की वैल्यू तो 1 ही थी ना, अगर ये 1 हटा भी दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 5 × 10⁻⁴ आंसर यही आएगा आपका। थीटा जब लगाएंगे तो लैम्डा बाई डी वैल्यू पुट करके वही आएगा, आप दोबारा कर सकते हैं इसको। तो ये 5 × 10⁻⁴, लेकिन अब की बार ये मीटर नहीं आएगा क्योंकि ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, यहाँ पर आपका रेडियन आएगा। तो इसके आगे की जो कैलकुलेशंस थी कि मीटर को मिलीमीटर में बना के हमने थोड़ा सा सॉल्व करके थोड़ा देखने में अच्छा लगा लिया बनला दिया था, यहाँ पर ऐसा हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेडियन को और नीचे तोड़ ले जाना जो है वो मिली रेडियन या माइक्रो ऐसे कुछ नहीं चलता। तो इसलिए हमारा यहीं पर क्वेश्चन ही रुक जाएगा। और अब आप यहाँ पर देखें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, तो पहला ही ऑप्शन देखिए 5 × 10⁻⁴ रेडियन, इसका मतलब ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन तभी हमारा इस तरह से सॉल्व हुआ है जब हमारा कैपिटल डी 1 मीटर दिया था, अगर ये 1.5 मीटर या कुछ और दिया होता तो फिर आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 46 है, इन फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन I0 बी द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, देन इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम विल बी। फ्राउनहोफर के एकल स्लिट विवर्तन में मुख्य उच्चिष्ट की तीव्रता I0 है तो प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट की तीव्रता होगी I0, I0 by 22, I0 by 62, I0 by 100। देखिए अगर इंटेंसिटी की बात हो रही है, तीव्रता की बात हो रही है, तो विवर्तन में तो कम होती जाती है लेकिन व्यतिकरण में उतनी ही रहती है। तो अगर ये क्वेश्चन आपका व्यतिकरण के लिए होता और मुख्य उच्चिष्ठ मुख्य के बजाय नहीं दिया होता, सेंट्रल यानी कि केंद्रीय उच्चिष्ठ I0 है, तो चाहे प्रथम लें चाहे द्वितीय लें चाहे तृतीय लें, आपका सबकी इंटेंसिटी यानी कि सबकी तीव्रता I0 रहती, क्योंकि वहाँ पे सारे जो उच्चिष्ठ हैं वो सेम तीव्रता के होते हैं। लेकिन विवर्तन में अगर आपको ग्राफ ध्यान हो, मैंने थ्योरी क्लासेस में बताया है कि केंद्रीय उच्चिष्ठ अगर I0 इंटेंसिटी है उसकी, तो अगला वाला जो उच्चिष्ठ होगा प्रथम द्वितीय उच्चिष्ठ वो लगभग I0 बाई 22 रहता है, उसके बाद अगर जाएंगे तो I0 बाई 62, उसके बाद I0 बाई 121, तो इस तरह से चलता है। तो प्रथम द्वितीय उच्चिष्ठ देखिए I0 बाई 22 है, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखने पे आपको बी ऑप्शन जो है वो सही नज़र आएगा। क्वेश्चन 47 है, देखिए इन फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन I0 बी द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, देन इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम विल बी। फ्राउनहोफर के एकल स्लिट विवर्तन में मुख्य उच्चिष्ठ की तीव्रता I0 है तो द्वितीय उच्चिष्ठ की तीव्रता होगी I0, I0 बाई 22, I0 बाई 62, I0 बाई 100। तो देखिए अभी जो पिछला क्वेश्चन किया उसी का एक तरह से आपसे दूसरा पार्ट पूछा जा रहा है, सेंट्रल वाले की तो I0 है और उससे एक वाले की I0 बाई 22, ये तो पिछला क्वेश्चन था। अब द्वितीय उच्चिष्ट की पूछी जा रही, तो I0 बाई 62 के लगभग होता है। तो आप देखें यहाँ पे आपको तीसरे में ऑप्शन ये नज़र आ रहा है, तो इसका सी पार्ट जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, इन डिफ्रेक्शन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज यूज, विड्थ ऑफ स्लिट इज 1 mm एंड डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम स्क्रीन इज 1 मीटर, देन कैलकुलेट विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम W0। विवर्तन में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग किया गया, यदि स्लिट की चौड़ाई 1 mm हो तथा स्लिट की स्क्रीन से दूरी 1 मीटर हो तो मुख्य उच्चिष्ठ की चौड़ाई क्या होगी, W0 क्या होगा ये पूछ रहा है हमसे। तो ऑप्शन है आपके पास 5 mm, 50 mm, 0.5 mm, 1 mm। अब देखिए लैम्डा आपको दे रखा है यहाँ पे, तो लैम्डा पहले लिख लेते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम यानी कि 5000 × 10⁻³ मीटर, और स्लिट की चौड़ाई जो है वो 1 मीटर है यानी कि डी इज इक्वल टू 1 mm यानी कि 10⁻³ मीटर, स्लिट की स्क्रीन से दूरी यानी कि डी इज इक्वल टू 1 मीटर है, तो मुख्य उच्चिष्ठ की चौड़ाई देखिए विवर्तन में जो होता है वो प्रथम निम्निष्ठ यहाँ बन रहा है, अगर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा अगर यहाँ बन रहा है और फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा दूसरी तरफ ये बन रहा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस W0 कहलाती है। और इसी से आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि जितना इधर ये होगा उतना इधर होगा यानी कि जस्ट डबल होगा, तो W0 इज इक्वल टू यहाँ पे 2d λ/d, ये फॉर्मूला लगता है। व्यतिकरण होता तो ये d λ/d होता केवल, सारी विड्थ सेम होती, लेकिन यहाँ पे विवर्तन में सेंट्रल वाली जो है बाकी सबसे डबल विड्थ की होती है। ये क्वेश्चन हमने पहले इसी वीडियो में करा भी है और थ्योरी क्लासेस में भी मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। विवर्तन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छे से विवर्तन को समझाया है मैंने। तो इसमें आप वैल्यूज़ रख देते हैं, तो ये इज इक्वल टू 2d की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू जो है वो आपकी 5000 × 10⁻³ डिवाइड बाई d का मतलब 10⁻³।
ये माइनस टेन होगा सॉरी। तो यहाँ से देखिए आप, 5 2 10 यानी कि 3 0 ये और 1 10 यानी कि 10^4 इंटू 10^-10 अपॉन 10^-3। तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए 10^-3 ऊपर जाएगा 10^7 और ये 10^-3 मिला के 10^-3 मीटर आएगा। 10^-3 मतलब ये 1 mm हो गया आपका, इसका मतलब W0 जो है 1 mm आ गया। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 49 क्वेश्चन है, इन डिफ्रेक्शन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज़ यूज, विड्थ ऑफ स्लिट इज़ 1 mm एंड डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम स्क्रीन इज़ 1 meter, देन कैलकुलेट विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम। विवर्तन में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का प्रयोग किया गया। यदि स्लिट की चौड़ाई 1 mm है तथा स्लिट की स्क्रीन से दूरी 1 meter है तो द्वितीयक उच्चिष्ठ की चौड़ाई क्या होगी? 5 mm, 50 mm, 0.5 mm, 1 mm। देखिए बात हो रही है सेकेंडरी मैक्सिमम की, और सेकेंडरी मैक्सिमा जितने भी होते हैं उनकी चौड़ाई जो होती है वो डी लैम्डा बाई डी होती है, चाहे सेकेंडरी मैक्सिमम हो चाहे सेकेंडरी मिनिमम हो, यही रहेगा फॉर्मूला। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, सेंटर पे जो बनेगा वो इनसे डबल बनता है, यानी कि W0 इज इक्वल टू 2d λ/d। इसके ऊपर हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ होना है। अब देखिए इसमें वैल्यूज़ रख दीजिए, डी आपका कितना है, स्क्रीन की दूरी 1 meter है, इंटू लैम्डा आपका 5000 इंटू 10^-10 हो गया, अपॉन डी की वैल्यू जो है स्मॉल डी कितना है देखिए यहाँ पे 1 mm है, यानी कि 10^-3 meter। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू, ये देखिए 10^3 और ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो 10^6 हो जाएगा, और इंटू 10^-10 यानी कि 5 × 10^-4 meter, ये चीज़ बनेगी जा करके। अब देखिए इसमें एक 10^-1 इसमें लगा दीजिए तो 0.5 × 10^-3 meter यानी कि 0.5 mm। अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, तो सी ऑप्शन आपको जो है यहाँ पे करेक्ट दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, इन डिफ्रेक्शन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज़ यूज्ड, विड्थ ऑफ स्लिट इज़ 1 mm एंड डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम स्क्रीन इज़ 1 meter, देन कैलकुलेट द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। θ0, विवर्तन में 5000 एंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का प्रयोग किया गया। यदि स्लिट की चौड़ाई 1 mm है तथा स्लिट की स्क्रीन से दूरी 1 meter है तो मुख्य उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई क्या होगी? तो देखिए आपको ये पता है कि मुख्य उच्चिष्ठ जो है उसकी लीनियर विड्थ यानी कि W0 जो है वो आपका 2d λ/d होता है। अब इसकी हमें कोणीय चौड़ाई चाहिए, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या यानी कि चाप बटे ये डिस्टेंस डी करेंगे हम, तो θ0 इज इक्वल टू W0/d यानी कि 2d λ/d डिवाइडेड बाई डी, देखिए कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली कैपिटल डी वाली है, तो डी कट जाएगा, तो 2λ/d ये आपका कोणीय चौड़ाई आएगी, और साथ ही साथ ये रेडियन में आएगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये सारी चीज़ें जो हैं वो थ्योरी क्लासेस में डिटेल से पढ़ाई हैं मैंने, अगर आपने रेफ़र किया होगा तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा। अब देखिए इसमें वैल्यूज़ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2λ का मतलब 5000 एंगस्ट्रॉम यानी कि इंटू एंगस्ट्रॉम को 10^-3 रख दीजिए, डिवाइड बाई स्मॉल डी जो है वो आपका 1 mm है, ठीक 1 mm हो गया यानी कि 1 × 10^-3, और कैपिटल डी की तो ज़रूरत नहीं है, ना भी दिया होता तो काम चलता हमारा। अब देखिए 10^-10 होगा एंगस्ट्रॉम की वैल्यू। अब देखिए 5 × 2 = 10 हो गया और ये 3 0 ये हुए तो 10^4 हो गया इंटू 10^-10 अपॉन 10^-3, ओवरऑल मिला के देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10^-3 देखिए तो 10^7 बचा, 10^7 और 10^-10 यानी कि 10^-3 रेडियन। देखिए इसको मीटर तो है नहीं जो मिलीमीटर कर दे, और रेडियन को भी मिली रेडियन करके नहीं बोला जाता, इसलिए हम 10^-3 रेडियन यही अपना ऑप्शन रखेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, देखिए फोर्थ पार्ट डी पार्ट में आपको 10^-3 रेडियन मिल रहा है, इसलिए डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, पोलराइड आर मेड ऑफ, पोलराइड बनता है किससे बनता है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल से, टूरमलाइन क्रिस्टल से, हर्पेथाइड एंड नाइट्रोसेल्युलोज से, और ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए पोलराइड के केस में मैंने आपको बताया है कि स्पेशल क्रिस्टल्स होते हैं हर्पेथाइट के, और उन्हें नाइट्रोसेल्युलोज की चादर पे फैला के बनाया जाता है। नाइट्रोसेल्युलोज की चादर होती है, उस पर स्पेशल डिवाइस से ये जो हर्पेथाइट क्रिस्टल हैं, हर्पेथाइट नाम जो है उनके साइंटिस्ट थे एक हर्पैथ, उनके नाम पर जो है आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनाइन होते हैं, उन्हीं को हर्पेथाइट बोला जाता है, और उनके क्रिस्टल्स को स्पेशल मशीन से नाइट्रोसेल्युलोज की शीट पर बिछा के तब
पोलराइट तैयार किया जाता है, तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट आर कॉल्ड द टू रेज ऑब्टेंड फ्रॉम डबल रिफ्रेक्शन। दो अपवर्तन से प्राप्त दो किरणें कहलाती हैं, परावर्तित किरणें और रिफ्लेक्टेड रेज, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, साधारण तथा असाधारण किरण, बोथ ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो देखिए, बात जब दो अपवर्तन की हो रही है यानी कि रिफ्रेक्शन की हो रही है, तो परावर्तित किरणें कैसे कह सकते हैं आप, या तो अपवर्तित किरणें होता तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये ऑप्शन सही है, क्योंकि द्वि अपवर्तन में जब किरण परावर्तित होती है तो एक परावर्तन के नियमों का पालन करती है और एक नहीं पालन करती है। जो पालन करती है वो ऑर्डिनरी रे, और जो नहीं पालन करती है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि साधारण और असाधारण किरण। इसलिए आपका 52 में बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, डाइक्रोइज्म इज ए फेनोमेनन इन विच द टू रेज ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोड्यूस्ड बाय डबल रिफ्रेक्शन आर। द्विवर्णता एक घटना है जिसमें दो अपवर्तन द्वारा प्राप्त दो किरणें असाधारण व साधारण, ए पार्ट है अब क्रिस्टल से बाहर निकलती हैं, ऑब्टेंड फ्रॉम द क्रिस्टल, बी पार्ट एब्जॉर्ब बाय द क्रिस्टल यानी कि दोनों किरणें अवशोषित हो जाती हैं, सी ओनली वन रे इज एब्जॉर्ब एंड अदर कम आउट ऑफ द क्रिस्टल, केवल एक किरण अवशोषित होती है और दूसरी बाहर से निकलती है, जबकि डी पार्ट है नन ऑफ द एबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, दो अपवर्तन मैंने थ्योरी क्लास में भी बताया है आपको, दो अपवर्तन तो होता है जिसमें कि आपकी किरण जो है दो किरणों में विभक्त हो जाती है, एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब इसमें से द्विवर्णता क्या होता है, डाइक्रोइज्म में जो होता है इसमें एक रे ऑटोमेटिकली अब्जॉर्ब होती चली जाती है धीरे धीरे और एक बच जाती है बाद में, तो हमें क्रिस्टल की कोई एक फिक्स चौड़ाई भी लेनी पड़ती है ताकि एक अब्जॉर्ब हो सके और एक बचे। तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन जो है कि एक रे जो एब्जॉर्ब हो जाए और दूसरी बाहर आए, तो ये घटना आपकी द्विवर्णता कहलाती है। आप ध्यान दें, टूरमलाइन क्रिस्टल में यही चीज़ होती है, इसमें भी आप देखेंगे अगर तो टूरमलाइन क्रिस्टल में भी आपका जब डायग्राम बनाया जाता है तो उसमें ये थोड़ी सी चौड़ाई दिखाई जाती है, तो ये चौड़ाई इसीलिए होती है क्योंकि कुछ चौड़ाई लेंगे तभी जा करके इसमें से प्रकाश की किरण निकलेगी, फिर दो पार्ट बनेंगे उसके, एक एब्जॉर्ब हो जाएगा तब बाकी एक बचेगा। तो द्विवर्णता का सबसे बेस्ट एग्जांपल टूरमलाइन है। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई पी एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर व्हेन द रे इज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल। यानी कि जब किसी प्रकाश का, जब किसी किरण को ध्रुवण कोण आई पी पर आपतित कराया जाता है तो परावर्तन कोण आई पी तथा अपवर्तन कोण आर में संबंध होता है। कहने का मतलब ये है कि ये आई पी में हमने इंसिडेंट किया, अब हमें ये तो पता है रिफ्लेक्टेड रे पूर्णतया समतल ध्रुवित होती होगी यानी कि ये तो आई पी ही हो जाएगा, और ये आपका परावर्तन को अपवर्तन कोण हो गया आर। तो आई पी और आर में जो रिलेशन होता है वो होता है क्या, वो पूछा जा रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे ये भी रूल होता है कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण आपस में 90 डिग्री पे होती हैं, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो इसको ये कहें कि परावर्तित और अपवर्तित किरणें 90 पे हैं, रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे 90 पे हैं, या फिर अगर टोटल 180 ले लें, ये 90 हो गया तो बचा हुआ आई पी प्लस आर ये भी आपका 90 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो राइट है। जब हम इसको प्रूफ करते हैं तो उसके अंदर चाहें तो ये कह लीजिए, यही क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता था कि ये किरणें और ये किरणें कितने कोण पे होती हैं, तो 90 बताना पड़ता है आपको, या फिर आई पी और आर में रिलेशन भी कहें तो आई पी प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, ऑन विच प्रिंसिपल पोलराइट वर्क्स। पोलराइट किस सिद्धांत पर काम करता है, ए पार्ट है रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, बी पार्ट है रिफ्रेक्शन यानी कि अपवर्तन, सी पार्ट है डाइक्रोइज्म यानी कि द्विवर्णता, और डी पार्ट है ब्रूस्टर लॉ यानी कि ब्रूस्टर का नियम। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में पूछ रहा है कि किस सिद्धांत पर पोलराइट काम करता है। तो देखिए इसमें जो है द्वि अपवर्तन तो होता है, द्वि अपवर्तन के बाद क्रिस्टल जो है इसके जो हर्पेथाइट होता है उसके क्रिस्टल हाईली डाइक्रोइक होते हैं यानी कि द्विवर्णता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मतलब जरा सी थिकनेस लेने पर ही आपकी दोनों की दो किरणें जो ई रे और ओ रे होती हैं ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनमें से एक एब्जॉर्ब हो जाती है और एक बच जाती है। तो कहने का मतलब है इस क्रिस्टल की मोटाई भी ज़्यादा नहीं लेनी पड़ती और आपको पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि सी पार्ट जो है डाइक्रोइज्म द्विवर्णता ये बेटर ऑप्शन, ये मतलब ये ही ऑप्शन सही है, और बाकी ये अपवर्तन और ब्रूस्टर का नियम हैं तो रिलेटेड, लेकिन पोलराइट के केस में जो है वो स्पेशली डाइक्रोइज्म होते हैं, डाइक्रोइक होते हैं, ये लिखा स्टेटमेंट लिखा रहता है बुक्स में कि जो हर्पेथाइट के क्रिस्टल होते हैं वो हाईली डाइक्रोइक होते हैं जिस वजह से इसके अंदर प्रकाश को ध्रुवित करने की क्षमता होती है, और पोलराइट इसी सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, यूज़ ऑफ पोलराइट। पोलराइट के उपयोग हैं किसमें, ए पार्ट पोलराइट कैमरा, बी पार्ट इन स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस प्रतिबल के प्रभाव का अध्ययन करने में,
सी पार्ट कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, शुगर की सांद्रता ज्ञात करने में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए पोलारॉइड के यूजेस जो बताए गए हैं उनमें से पोलारॉइड कैमरा, ये तो साफ साफ दिख रहा है। शक्कर की सांद्रता ज्ञात करने में भी इसका यूज़ होता है और प्रतिबल के प्रभाव का अध्ययन करने में भी यूज़ होता है। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा आपका उपरोक्त तो सभी यानी कि डी पार्ट जो है वो सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 57 है, इफ़ एक्सिस ऑफ टू पोलराइड्स मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री देन आउटपुट इंटेंसिटी विल बी, टेक आई एज द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट। यदि दो पोलराइड के अक्षों के बीच में कोण 45 डिग्री है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी और अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आई है। तो देखिए यहाँ पे एक पोलराइड मेरे पास P1 ये है और एक पोलराइड P2 ये है जिसके बीच में 45 डिग्री का एंगल है और अध्रुवित प्रकाश यहाँ से आ रहा है जिसकी इंटेंसिटी आई है। तो देखिए पहली बार जब अध्रुवित प्रकाश किसी भी पोलराइड से निकल गुजरेगा तो उसकी इंटेंसिटी आधी रह जाती है। ये मैलस का नियम जनरल फॉर्म में लगा हुआ है, उसके स्पेशल केस में देखा है हमने। तो आई इंटेंसिटी आधी रह जाती है। अब इसके बाद इस इंटेंसिटी से क्या बनेगी यहाँ पर, तो उसके लिए फॉर्मूला I = I0 cos स्क्वायर थीटा यानी कि मैलस का नियम स्पेशली लगेगा। वहाँ पहले वाले केस में cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू हाफ डाल दी गई थी, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 दी है तो I0 cos स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर, यानी कि I0 कितना है आपका इंसिडेंट, I/2 इंसिडेंट हो रहा है, तो I/2 into cos स्क्वायर 45 का यानी कि 1/√2 का स्क्वायर, यानी कि I0/2 × 2 यानी कि 4। I0 क्यों, I कर दिया ना उसे, तो इसलिए I = I/4 ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे डी पार्ट में I/4 दिया है तो ये हमारा राइट ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 58, इन फ्रेजनल डिफ्रेक्शन लाइट सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट। फ्रेजनल विवर्तन में प्रकाश स्रोत तथा स्क्रीन स्लिट से कितनी दूरी पर होते हैं। ए पार्ट बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस, बोथ आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेजनल डिफ्रेक्शन जो कि हमारे पास सिलेबस में नहीं है उसमें ध्यान रखिए कि वो फाइनाइट डिस्टेंस पे, सोर्स और जो स्क्रीन है सब फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई लेंस का यूज़ नहीं होता है। जबकि फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन जो हमारे सिलेबस में है उसमें दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। अब इनफाइनाइट पे इसको रखेंगे नहीं बल्कि हम क्या करेंगे, लेंस यूज़ कर लेते हैं इसलिए वहाँ पे। तो फ्रेजनल की बात कर रहा है इसलिए दोनों निश्चित दूरी पे होते हैं, यानी कि ए पार्ट हमारा जो है यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, इन फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन लाइट सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट। फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत तथा स्क्रीन स्लिट से कितनी दूरी पर होते हैं। तो दोनों निश्चित दूरी पर, अनंत दूरी पर, और उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। फाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन ये हमारे पास सिलेबस में है और अगर इसके डायग्राम को ध्यान करिए तो स्लिट के इधर भी लेंस उधर भी लेंस लगता है, यानी कि यहाँ पे सोर्स और स्क्रीन जो है इफेक्टिवली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। आप थ्योरी क्लास रेफर करें, मैंने आपको अच्छी तरह से इसे समझाया है। तो यहाँ पर आपका जो है दोनों अनंत दूरी पे होते हैं, यानी कि 59 का बी ऑप्शन जो है वो सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, इफ़ एक्सिस ऑफ टू पोलराइड्स आर पैरेलल देन आउटपुट इंटेंसिटी विल बी, टेक आई एज द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट। यदि दो पोलराइड के अक्ष एक दूसरे के समांतर हैं तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी, अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आई दी है। तो देखिए दो पोलराइड हैं, थीटा 0 है इनके बीच में और यहाँ से अध्रुवित प्रकाश आई आ रहा है, तो एक पोलराइड से गुजरने पर तो I/2 हो जाता है, ये सब जानते हैं। अब थीटा 0 है तो थीटा 0 पे देखिए कितना आएगा, I = I0 cos²θ, मैलस का नियम लगा दीजिए, ये भी मैलस का नियम लगा है जनरल फॉर्म में, अभी पीछे इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो इंटेंसिटी यहाँ से कितनी निकलेगी, तो I = I′ = निकलेगी यहाँ से, I0 यानी कि इस पर आ रही कितनी रही है, I/2 आ रही है और cos²0, I/2 × cos 0 1 होता है, इसका मतलब I/2। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है यहाँ पे वो करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, इफ़ टू पोलराइड्स आर इन क्रॉस्ड पोजिशन देन आउटपुट इंटेंसिटी विल बी, टेक आई एज द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट। यदि दो पोलराइड के अक्ष एक दूसरे के लंबवत हैं तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आई दी हुई है। देखिए दो तीन क्वेश्चन एक तरह के आ गए हैं यहाँ पर, देखिए इन दो पोलराइड क्रॉस्ड पोजीशन में हैं। पहले तो आप ये समझिए क्रॉस्ड पोजीशन क्या होती है, यानी कि थीटा 90 है दोनों के बीच में। एक MCQ ऐसा भी बन सकता है कि क्रॉस्ड पोजीशन में एंगल कितना होता है एक्सिस के बीच में, तो वो ऑप्शन उसमें दिए जा सकते हैं आपको, तो 90 डिग्री ऑप्शन होता है। अब इसके बाद अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आई है तो यहाँ से कितनी निकलेगी ये पूछ रहा है।
तो आई का यहाँ पे आके आई बाई टू हो जाएगा, ये तो ठीक है। अब यहाँ से जो निकलेगा उसके लिए आई इज इक्वल टू आई ज़ीरो कॉस स्क्वायर थीटा लगा दीजिए। तो आई इंटेंसिटी आई डैश मान लिया निकल रही है, तो इधर इंसिडेंट आई बाई टू ये रख दी, कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 ज़ीरो होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आंसर आएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। देखिए जब क्रॉस्ड होते हैं तो इसका मतलब इनसे कोई प्रकाश नहीं निकलेगा, आप चाहें कितना भी डालिए, ये दोनों 90 पे हैं तो यहाँ से कुछ भी नहीं निकलेगा। तो इसलिए बिना कैलकुलेट करे डायरेक्ट आंसर भी लिखा जा सकता था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हाट इज़ अनपोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश क्या है। ए पार्ट है लाइट वेक्टर वाइब्रेट्स साइमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट ट्रैवल। प्रकाश या विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में सममित रूप से होते हैं। बी पार्ट है लाइट वेक्टर वाइब्रेट्स एसिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश या वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में असममित रूप से होते हैं। बोथ ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव। तो देखिए अध्रुवित प्रकाश मैंने बताया है आपको, ये लाइट चल रही है इसके ट्रेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और चारों तरफ समान रूप से जो है वो ये बिल्कुल इक्वली जो है यूनिफॉर्मली, जैसे अशोक चक्र होता है वैसे ही ये वेक्टर्स जो हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो इसमें देखिए पहले ऑप्शन में तो सिमेट्रिकली दिया है, दूसरे में एसिमेट्रिकली दिया है, तो इसलिए सिमेट्रिकली वाला ऑप्शन यानी कि ए पार्ट आपका सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, व्हाट इज़ पोलराइज्ड लाइट, ध्रुवित प्रकाश क्या है। ए पार्ट लाइट वेक्टर वाइब्रेट सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट ट्रेवल। प्रकाश या विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में सममित रूप से होते हैं। बी पार्ट लाइट वेक्टर वाइब्रेट्स एसिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट ट्रेवल, यानी कि प्रकाश या विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में असममित रूप से होते हैं। सी पार्ट बोथ ऑफ द अबव एंड डी पार्ट नन ऑफ द अबव। तो देखिए ध्रुवित प्रकाश में क्या होता है कि जब प्रकाश चलता है तो विद्युत वेक्टर के कंपन इसके चलने की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ओर होते हैं, चाहे इस तरफ हो जाएं, चाहे इस तरफ हो जाएं, चाहे इस तरफ हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर तो पहले पार्ट में दिया है कि सभी दिशाओं में कंपन करते हैं और जबकि यहाँ पे असममित रूप से होते हैं, तो बी पार्ट में दिया है कि असममित रूप से होते हैं, तो यही सही है। यहाँ पे सममित रूप से नहीं होते हैं, कुछ ही डायरेक्शंस में होते हैं, चाहे वो एक में हो, चाहे वो एक या दो तीन डायरेक्शंस हो, वो आंशिक ध्रुवित हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन समतल ध्रुवित हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 63 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आज के वीडियो में हमने 33 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एक ही वीडियो में, और मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि ज्ञान का प्रचार करने से ही वो फैलता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें क्या सुधार की ज़रूरत महसूस हो रही है, ये बात भी हमें कमेंट में क्लिक कर बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी वीडियोज़ इस यहाँ से रिलीज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।